एक ही है। कौन सी? एक तो माँ और दूसरी क्षमा। क्योंकि कोई आदमी किसी को सजा देता है ना, किसी की गलती हो जाती है तो किसी को सजा देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन किसी की सजा को माफ करना इस धरती पर सबसे कठिन कार्य है। और क्षमा करने की ताकत एक ही इंसान में है धरती पे, और वो है हमारी माँ। माँ और क्षमा दोनों एक ही है। और देखिए कि आदमी चाहे अरबपति है चाहे करोड़पति है, अरबपति आदमी एक बार जाकर अमेरिका खरीद लेगा, लेकिन अरबपति आदमी एक बार अमेरिका बेच दे लेकिन सगे माँ बाप नहीं खरीद सकता। और आज का जो समय चल रहा है, जो दुनिया में देखने को मिलता है कि कोई जमाना था और आज भी है कि एक माँ 10-10 बच्चों को घरों में काम करके पाल लेती है, लेकिन आज का जो समय है ना, इसमें देखने को मिलता है कि 10-10 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। लेकिन एक बेटा श्रवण हुआ था जिसने अपने माता पिता को कंधों पे बिठा कर और यात्रा करवाई थी, लेकिन आज का जो समय चल रहा है ऐसा देखने को नहीं मिलता। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जो लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। और देखिए कि एक बेटे ने अपनी माँ के लिए 2 लाइनें लिखी, जरा गौर लगा के सुनना क्या लिखा। श्रवण जैसा बेटा था, किसी ने ऐसी बात लिखी, क्या लिखा कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा। क्या लिखा कि हे मेरे परमात्मा, तूने पानी को दरिया में जगा दी और तूने गुल को गुलशन में जगा दी, और हे मेरे दाता, तू मेरी माँ को स्वर्ग में जन्नत में जगा देना, क्योंकि उसने 9 महीने मुझे अपने पेट में जगा दी। और आजकल देखिए कोई कोई बेटे ऐसे हैं जो करोड़पति बनते ही माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, हैं? तो भैया ऐसा नहीं करना है। मैं चाहूंगी एक बार अपने माता पिता के नाम दोनों हाथ ऊपर और उनकी सम्मान में दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ। हाँ, अरे अन्ना रे धन्ना माजी भरिया रे भंडा, भरिया रे भंडा रे एक निया रे बाबी दीदी रे हे भजन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? चुपचाप बैठा रहा जरा, माने टेंशन हो जाया करे कि भाई भजन समझ में आ रही हो है कि नहीं आ रही हो। भजन समझ में आ रहे, आनंद आ रहा है ना, है? तो एक बार जयकार लगाइए, बोलिए आई मात की। हाँ, भजन कौन कौन सुन रहे हैं जरा हाथ ऊपर करें। अच्छा ठीक है, नीचे करिए। भजन देख कौन रहा है जरा हाथ ऊपर करें। अच्छा, जो जो जिन जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया, भजन कैसा दिखाई देता है, भजन देखने में कैसा है? मेरे जैसा है, लखन जी जैसा है, कैसा है? देखिए भक्तों कैसा है, जोर बोलो थोड़ा, आवाज कम है भाई। सारी रोटी वोटी खाई को नहीं गई, तो बात तो खाने रही बड़ी लहर रही के। भजन देखा नहीं जाता, भजन सुना जाता है, भजन दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। ये जो समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है अभी, कौन सा युग चल रहा है, बराबर जवाब दो, सा युग ही करो। कलयुग चल रहा है, सबसे पहले कौन सा युग आया था, सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, उसके बाद में द्वापर युग, और अभी है कलयुग। कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो भारत की धरती है, जो राजस्थान की धरा है, जो भारत भूमि है, पूरे संसार में क्यों पूजी जाती है, किसी को पता है?
नहीं है, मैं बताती हूँ, क्योंकि भारत भूमि पूरे संसार में इसलिए पूजी जाती है क्योंकि यहाँ पर नारी को शक्ति का रूप समझा जाता है और नारी को देवी का स्वरूप समझा जाता है, इसलिए भारत भूमि पूरे संसार में पूजी जाती है। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है ना, अपन को देखने में आता, सुनने में आता, टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि आज फलाना राम रे बहू ने फांसी लगाने मार दी, जला के मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो ये देख के तो लगता नहीं है कि भाई भारत में नारी की पूजा की जाती है, हैं? दहेज के लिए मार देते हैं, ऐसे वैसे बहुत कुछ सुनने में आता है। तो पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं गुरदास जी मान, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है और आप लोगों को आज मैं फ्री में बताने जा रही हूँ, जरा गौर लगा के सुनना। क्या लिखा? कि आग मत लगाओ पानी में, कि आग मत लगाओ पानी में, वरना तालाब की सारी मछलियां जल जाएगी, और मत निकला करो सैर पे बदन पे खुशबू लगाकर, वरना बाग की सारी तितलियां जल जाएगी, और मत जलाओ धन और दौलत के लिए अपनी बहुओं को, वरना किसी दिन आपकी भी बेटियां जल जाएगी। ये बात है के अपनी जो बेटी है किसी के घर की बहू है, और हमारी जो बहू है वो किसी के घर की बेटी है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि नारी को सम्मान की नजरों से देखें, उसकी इज्जत करें, तो आप लोगों का भी मान इस संसार में और ही बढ़ जाएगा। और माता जी के अनन्य भक्त लाखन जी कहीं तो मारे दरबार में जावे, और कहीं माँ ने हेलो मारे, और उठाइए दोनों हाथ और ताली का साथ देते हुए। हाँ, अरे ला